डीजे डाउन, डीजे डाउन। चंद्रकांत गावित की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 500 और 50 रन बनाएंगे उसको 50,000 रुपया। कुकड़ा पटेल समाज के लिए स्पेशल 5,000 स्पेशल प्राइस है। और विशाल भाई दौड़जा ग्राउंड बेकर एंड जीरो लेवल की ओर से हमें 1,111 रुपया मिलता है। शिवेंद्र सिंह सोलंकी की ओर से 2,100 रुपया मिलता है। हेमंत सिंह आर परमार की ओर से 2,100 रुपया डेप्यूटी सरपंच श्री। और शिवेंद्र सिंह सोलंकी की बात की जाए तो वासदा शासक पक्ष भाजपा पेलिकन। अब यहां से हल्के हाथों से पंच किया था पॉइंट के ऊपर, खड़े खिलाड़ी ने फील किया कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ यहाँ गेंदबाजी की शुरुआत अभी ने की है। अभी की फितरत है, पहली गेंद के ऊपर कभी रन नहीं बनाने देते डॉट गेंद। पुल करना चाहते थे इस बार, बॉडी के साथ गेंद टकराई, शॉर्ट पिच गेंद थी, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। कुकड़ा पटेल समाज का कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएगा, चंद्रकांत गावित पानी खड़क की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 500 रुपया है। अभी तैयार अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला, हल्के हाथों से इस बार कट कर दिया, नीले स्मोक गया है वहां पे, जिन्होंने फील किया नॉर्थ साइड गेंद के ऊपर थ्रो किया, रन बनाने की चेष्टा को खारिज किया गया, गली के ऊपर तैनात किया गया है नीलेश को। पॉइंट के ऊपर मयंक शॉट, थर्ड मैन के ऊपर चिराग, विकेट कीपर डीप खड़े हुए, शॉट फाइन लेग पे ऊपर खिलाड़ी, पट की हुई गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अभी एक अच्छे गेंदबाज के रूप में शामिल किया जाता है, जिस प्रकार से देखा जाए तो रन बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नीलय की बात की जाए तो नीलय देशमुख बहुत ही बेहतरीन कुकड़ा समाज की ओर से अव्वल नंबर का बल्लेबाज है। अच्छा शॉट इस बार कट कर दिया है पॉइंट के ऊपर, याग्निक गेंद के पीछे आ रहे हैं यहां और रोका गया, और मयंक ने उसका साथ दिया और दो रन मुकम्मल किया। यहां चौका जा सकता था एक बहुत ही बेहतरीन फील करने के बाद, याग्निक द्वारा गेंद को रोका गया था और मयंक ने उसको देखा और उसका साथ दिया और दो रन पूरे किए। लॉफ्ट करना चाहते थे इस बार, बीट किया यह, रन लेने के प्रयास किया है, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो हुआ लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद का और स्टंप का, लेकिन जिग्नेश गौड़ी ने बहुत ही बेहतरीन गेदर किया। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 3 रन बने, कुकड़ा समाज 11 टॉस जीता था, कोरी पटेल समाज ने और पहले फील करने का फैसला किया था। एमबे का फाइनल मुकाबला श्री भुवनेश्वर युवक मंडल कुकेरी अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का 3रा संस्करण बहुत ही बेहतरीन यहां आयोजन किया गया, एक अच्छी फ्लड लाइट में यहां दूध या रोशनी में नहाता हुआ पीएससी क्रिकेट ग्राउंड कुकेरी। दिव्यस गेंदबाजी के ऊपर बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई, कट शॉट खेलना चाहते थे इस बार विकेट कीपर अनिल सरसाना ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ दिव्यस पटेल। इस बार कुछ बदलाव किया गया, वैसे सेमीफाइनल में दूसरा ओवर करने के लिए जिग्नेश पटेल आए थे, इस बार दिव्यस को शामिल किया जा रहा है। अब कप्तान स्नेहल पटेल काफी यहाँ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, फाइनल मुकाबले में भी ऐसा देखने को मिलता है, बहुत लव किया इस बार गेंद हवा में, स्नेहल खुद गए गेंद के नीचे, पोजीशन बनाई और अच्छा कैच
मिडॉन के ऊपर खड़े थे इस बार निलय देशमुख की पारी खत्म हुई, जिसके ऊपर बहुत ही दारोमदार था। आउट होने के बाद वापस पेवलियन की ओर, विकेट नंबर पहला डीवीएस के नाम कैच किया स्नेहल ने। यस सर, नए बल्लेबाज के रूप में जय ने प्रस्थान कर लिया है वन डाउन के रूप में। अब जय ने पिछले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई थी। अब ये मेगा फाइनल मुकाबला है। अब टेनिस क्रिकेट की सर बात की जाए तो उसमें भी काफी सारे खिलाड़ी हैंड ग्लोव्स यूज करते हैं, अब जो इनर कहा जाता है टेनिस क्रिकेट के लिए। अब गेंदबाजी के ऊपर डीवीएस पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा। यहां दिलस्कोप खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर अनिल के हाथों में, डॉट गेंद को रन नहीं, को एक रन नहीं। उसी प्रकार से पिछले मुकाबले में अच्छे रन जड़े थे जय ने, फाइन लेग के ऊपर बहुत सारे रन बनाए गए थे उसके द्वारा, और रिवर्स स्वीप में भी एक दो शॉट अच्छे देखने को मिले थे जय द्वारा कुकड़ा पटेल समाज की ओर से। अब डीवीएस तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर, अरिवासी भी इस बार देखिए जिसका जिक्र किया वही करता हुआ, और गेंद चली गई गली के ऊपर चार रन के लिए बेहतरीन चौके के साथ सात रन। अब डीवीएस गेंदबाजी के ऊपर, पीएससी एंड कुकेरी की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा, मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर डीवीएस। दिलस्कोप इस बार देखिए, नजाकत देखिए, गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर, शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन मानना पड़ेगा जिस प्रकार से बल्लेबाजी करता हुआ। नो गेंद भी दिया था यहां पे। यस, आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, जतिन पानोरिया सर ने उंगली घुमाई है। अब फ्री हिट के ऊपर, यहां स्ट्राइक के ऊपर जय पटेल, और फ्री हिट के ऊपर इस बार स्ट्रोक शिप किया है, गेंद जा रही है बाउंड लाइन के बाहर, और चार रन के लिए चौके के साथ 16 रन। प्लीज ग्राउंड के अंदर पटाखे मत फोड़िए, ग्राउंड के अंदर पटाखे, ये धुआं जो आ रहा है अपने खिलाड़ी को डिस्टर्बेंस होगा। हमारे बाउंसर से निवेदन है फटाके फोड़े जाए वहां जाके रोका जाए प्लीज सर, ग्राउंड के अंदर धुआं आ रहा है। पैर के साथ गेंद टकराई इस बार, वापस स्लीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट किया। दो ओवर खत्म हुए, 16 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद, कुकड़ा समाज वर्सेस कोड़ी पटेल समाज के बीच में ए श्री भुवनेश्वर युवक मंडल द्वारा आयोजित अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट का मेगा फाइनल मैच कुकेरी पीएससी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में जनमेदी उपस्थित हुई है। तो फिर से एक बार जनमेदी का तहदिल से स्वागत। पावर प्ले खत्म हो चुका है, यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। थर्डिया सर्कल के अंदर चार खिलाड़ी और बाउंड लाइन के ऊपर पांच खिलाड़ी। यह एक शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग पॉइंट ऑर्बिट ऑफ थर्डिया सर्कल के अंदर।
अब खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, यह विकेट कीपर बीट करते हुए गेंद गई गली के ऊपर, वहां से एक रन बाई का इशारा आया तो एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। अब 17 के ऊपर खतरा गेंदबाज के ऊपर या बल्लेबाज के ऊपर, वो तो आने वाला समय बताएगा। जिग्नेश तैयार और स्ट्राइक के ऊपर जय पटेल, रिवर्सिप में इस बार 17 के ऊपर खतरा गेंदबाज के ऊपर, गेंद चली गई 4 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन चौके के साथ 21 रन। हमारे कमांडो पहुंच चुके हैं वहां पे, फटाके मत फोड़े जाए प्लीज, ग्राउंड के ऊपर धुमा आएगा। जिग्नेश तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, दिल स्कूप करना चाहते थे इस बार, विकेट कीपर अनिल ससराने ने अपील की रहे और आउट करा दिया गया। यस, मैंने पार्षद द्वारा आउट करा दिया गया और लगने वाला यहाँ पे विकेट नंबर दूसरा, जय को जाना पड़ेगा वापस पे बलेन की ओर। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा था, 16 रन बना चुका था 6 गेंदों के ऊपर। बल्लेबाज से निवेदन है थोड़ा जल्दी आएंगे विकेट के ऊपर, आपका भी वार्म अप हो जाएगा, बॉडी भी गर्म हो जाएगा और समय भी बचेगा, क्योंकि दुनिया का बादशाह कौन तो समय, जो समय के साथ चलेगा वही भी इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अश्विन बल्लेबाज, अश्विन काला बल्लेबाजी के ऊपर, और जिग्नेश गेंदबाजी के ऊपर, जिग्नेश ने सफलता दिलवाई यहां पे, एक बहुत ही सेट बल्लेबाज को पेवलन का रास्ता दिखा चुका है जिग्नेश गोडी। पीएससी एन की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 3रा ओवर। अब स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज अश्विन काला कुकड़ा पटेल समाज की ओर से, और नॉर्थ साइड के ऊपर टीम के कप्तान उमेश। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, यॉर्कर करने का प्रयास किया था, बल्ला जरूर घुमा था हाई बैकलिप के साथ, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में। दूधिया रोशनी में क्रिकेट खेलना अपने आप में एक अच्छी महानता कही जाती है, क्योंकि एक अच्छी फिटनेस एक अच्छी आईसेट होनी चाहिए। ड्राइव किया इस बार बाहर निकला सीधा घेट मायर, वहां पे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फील्ड किया, 38 एज के ऊपर खड़ा था, अच्छे फील्ड के साथ यहाँ कुछ रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नेंसल स्कोर 22 रन 2 विकेट, 2-2 3 बार इकट्ठे हुए। वाइड यॉर्कर इस बार ड्राइव किया, खुद फॉलो थ्रो फील्ड किया, कोई रन नहीं कोई एक्सेट नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ जिग्नेश पटेल गेंदबाजी करता हुआ। अब सर ओवर समाप्त हुआ,
यस, यह काउंट कर लिया गया। जिस प्रकार से अंतर समाज की बात की जाए तो सभी खिलाड़ी के पास इतना कर्तव्य है, कहाँ कौन सी गेंद गई सबको मालूम रहता है। तो अंपायर सर के बात कंफर्म करने के बाद ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई। 3 ओवर के बाद 22 रन 2 विकेट, कुकड़ा पटेल समाज वर्सेस कोड़ी पटेल समाज के बीच में खेला जाने वाला एम्बे का फाइनल मुकाबला। अब दिव्यस गेंदबाजी के ऊपर बहुत तेजी के साथ गेंद आई, इस बार बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। अब एक हाथ छूट गया था बल्ले से और गेंद को रोका यहां से डॉट गेंद। डेड बॉल दिया गया। हमारे प्रेक्षक मित्र से निवेदन है कि आप थोड़ा साइलेंट रहेंगे तो हमारे एम्पायर सर को और बल्लेबाज को तकलीफ नहीं होगी। आप बल्लेबाज को तकलीफ हो रही है, दुविधा हो रही है, तो प्लीज थोड़ा आवाज कम कीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। व्यवस्था के भाग रूप में आपको सहकार देना है हमारे प्रेक्षक मित्र। पिछली वाली गेंद डेड गेंद करा दी गई थी। अब यहां पे खेला है हवा में लेकिन नो बैंड लेंस में गेंद गिरेगी, वहां से रन पूरा किया। फुल टॉस गेंद थी जिसके ऊपर बल्ला जरूर चलाया था यहां पे अश्विन काले ने, मगर सही संपर्क हुआ नहीं थी, बल्ले के सीकर के ऊपर गेंद लगी थी इस बार, मतलब एक रन मिलेगा। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 4th ओवर प्रगति के ऊपर है। बहुत अच्छी गेंद इस बार लेंथ और लाइन के साथ सीधी विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज ने बल्ला जरूर चलाया था क्योंकि 4th ओवर प्रगति के ऊपर है और स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन है, तो रन बनाना चाहते हैं यहाँ कुकड़ा पटेल समाज के बल्लेबाज। लेकिन सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कोड़ी पटेल समाज के गेंदबाज जिग्नेश कोड़ी की बात की जाए या दिव्यस की बात की जाए अभी की बात की जाए, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया, इस बार ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है। स्नेहल पटेल आए, गेंद को उठाया, अंडर आर्म थ्रो किया जाए जब गेंदबाज की ओर एक रन। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद स्ट्राइक के ऊपर अश्विन काले। गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, वाइड गेंद, तो एक अतिरिक्त रन यहां जरूर जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद दिव्यस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ड्राइव किया बहुत ही बेहतरीन, ब्यूटीफुल स्ट्रोक या बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर नीला है जिन्होंने सीधा थ्रो किया अनिल ससना के हाथों में, एक रन मिलेगा। स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन लेकिन रिजल्ट बहुत कम मिला यहाँ पे। बाउंड लाइन के ऊपर नीलय था जिन्होंने फील्ड किया। अब एक के साथ 26 रन, 1-1-2 से काम बनने वाला है नहीं यहाँ पे। स्लॉगशिप करना चाहते थे इस बार, बहुत तेज गेंद यहाँ थर्ड एमएन एज के ऊपर खड़े चिराग की जरूर तारीफ करना चाहेंगे। अजीत सर सेमीफाइनल में 4 गेंद वहां रोके थे उन्होंने और इस मैच की बात की जाए तो 2 बार रोक चुका है। यहां अगर 20 मिल होती तो निश्चित चौका जाता है और काफी तेज गेंदबाज है दिव्यस, तो चिराग बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। फुल टॉस कहने के ऊपर बल्ला जरूर चलाया लेकिन डाउन द ग्राउंड खेला यहाँ नीलय है जिन्होंने याग्निक ने फील्ड किया और थ्रो किया जाएगा तो 1 रन। 4 ओवर के बाद 27 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद कुकड़ा पटेल समाज यहां देखा जाए तो प्रोजेक्ट को 54 तक जा सकता है। दिव्यस ने 2 ओवर किया 18 रन दिए 1 सफलता और जिग्नेश ने 1 ओवर किया था 5 रन दिए थे 1 सफलता 5 की इनों को भी। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं अजीत सर, आपका स्वागत है कॉमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद साथी कॉमेंटेटर राज भाई चौहान। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन और गेंदबाजी की जिम्मेवारी जिग्नेश पटेल ने इस बीच संभाल रखी है पीएससी कुकरी एंड से। इस बार स्वीप जरूर किया था बल्लेबाज ने, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए मयंक पटेल की ओर से तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुकड़ा पटेल समाज का 28 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील के अनुरूप पारियां खेलना है देखे बल्लेबाजों को।
और इस बार लॉफ जरूर किया है, खूब कैच लिया गया वहां सेल की ओर से डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज संजू को इस बीच शामिल किया जा रहा है कुकर्ण पटेल समाज की ओर से। स्कोर 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये पांचवा ओवर चल रहा है। टॉस जीतकर पहले फील्ड पसंद की वहां सिंहल पटेल ने कोड़ी पटेल समाज के लिए। सेलवास ग्रामीण में काफी चर्चा में भी रहे बल्लेबाज, वही परिस्थिति का निर्माण करना है बल्लेबाज को जो जिम्मेवारी सौंपी गई नीलेश देशमुख की ओर से। नीलेश देशमुख इज कैप्टन ऑफ कुकर्ण पटेल समाज 11। इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से गेंद गई अनिल सरसाना की दिशा में। रनों की किसी भी अटकलों को दूर किया जा रहा है विकेट कीपर की ओर से। पिछली गेंद आउटस्विंग गेंदबाजी की गई, एक नेचुरल एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है जिग्नेश पटेल की ओर से। बाएं से राउंडी विकेट और इस बार आधा दूर अशोक को खेला 9 मैन लेंथ के ऊपर। और जब तक गेंद को आकर फील किया जाए जिग्नेश की ओर से शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर, तब तक एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह पांचवा ओवर चल रहा है। देखिए फील्ड में एक और परिवर्तन किया जा रहा है जिग्नेश की ओर से। पहले डीप गली थी उनको शामिल किया गया लालू को शॉट गली के स्थान के ऊपर। उसके ठीक बाजू में दिव्यस फील्डिंग कर रहा है शॉट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर। उसके ठीक पीछे जिगर पटेल फील्डिंग कर रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार आगे आकर शोक को खेला बल्लेबाज ने दिव्यस की दिशा में और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रू दिया जाए जिग्नेश के हाथों में, तब तक एक रन। तीस रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये पांचवा ओवर चल रहा है। प्रति ओवर 6 रन बनाए जा रहे हैं। पहले पांचवा ओवर चल रहा है। चौके और छक्के अधिक से अधिक चाहिए कुकर्ण पटेल समाज की टीम को। इस बार इन स्विंग गेंदबाजी की गई वहां देखे गेंदबाज की ओर से, एक नेचुरल एंगल किया गया वहां गेंदबाज जिग्नेश की ओर से। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन। जिग्नेश ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 8 रन और 2 विकेट इकोनॉमी रही है, 4 रन की इकोनॉमी रही है फाइनल मैच में। और गेंदबाजी का जिम आप संभाल रखा है सिंहल पटेल ने। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 48 रन। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी कप्तान सिंहल पटेल ने इस बीच संभाल रखी है पीएससी कुकेरी एंड से। नीलेश मोगिया फील्डिंग करे शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। मयंक पटेल इस बार सेफ स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, बहुत आगे निकल चुके थे वहां पे। और जब तक इनको फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक कोई रन नहीं वहां बल्लेबाज के लिए। डॉट गेंद की गई स्नेहल की ओर से। वहां से राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है कुड़ी पटेल समाज के कप्तान की ओर से। बांधकर जरूर रखा है कुकर्ण पटेल समाज के बल्लेबाजों को। इस बार अंदरूनी बार लगकर गई शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर। खूबसूरत फील्डिंग की जा रही है वहां बाईं ओर जाकर अनिल सरसाना की ओर से। पिछली दोनों गेंदे डाउट कर चुके हैं स्नेहल पटेल कुड़ी पटेल समाज के लिए। 30 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ही छठा ओवर और कोटे के पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे कप्तान सिंहल पटेल। इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर। नीलेश मोगिया की ओर से आकर तब तक एक रन। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुकर्ण पटेल समाज का 31 30
तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर संजू से घरेलू क्रिकेट सिलवासा से खेलते हैं और इस बार स्टैंड एंड डिलीवरी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए मैक्सिमम सिक्सर के जो सिक्सर के स्पॉन्सर्स है चंद्रकांत भाई गामित हर सिक्सर के ऊपर 500 रुपया। थर्टी सेवन पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। विख्यात पारी अब खेलने की कोशिश की जा रही है संजू की ओर से। इस बार वाइट का इशारा अंपायर जतिन पानेरिया सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पारी का ही छठा ओवर चल रहा है तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। सर की अभी भी दो गेंदे से ऐसे इस बार गेंद गई शॉट थर्ड मैन के सन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए लेग बाई का इशारा अंपायर जतिन पानेरिया सर की ओर से। इसके लेग अंपायर इसमें अर्जुन टंडेल सर सी भुवनेश्वर युवक मंडल कुकेरी आयोजित ये तीसरा संस्करण चल रहा है 2023 में भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुकड़ पटेल समाज का 40 रन पारी का छठा ओवर चल रहा है तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर चिराग बिनवाड़ा, शॉर्ट गली के सन के ऊपर अभी, शॉर्ट कवर पॉइंट के सन के ऊपर दिव्यस पटेल, जिगर पटेल फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार स्वीप जरूर किया है बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर आकर फील्डर्स नीरिस मुखिया की ओर से तब तक एक रन। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों का खेल शेष अभी भी बच रहा है पहले बल्लेबाजी करते हुए से फाइनल मैच में। गेंदबाजी की जिम्मेवारी अभी पटेल खजोद ने इस बीच संभाल रखी है। देखिए साई सरकार का भी नेतृत्व करते हैं, सुमित ढेकल के नेतृत्व में एसवीपी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं पालघर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। पिछले 3 साल बहुत ही चर्चा में रहे और ये इकोनॉमी देखी गई कप्तान सेहल पटेल की ओर से और टीम में शामिल किया गया कोड़ी पटेल समाज में। भाई यहां से राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है बल्लेबाज उमेश के लिए। 12 गेंदे खेली, 12 में 5 रन बनाए जा रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट है 41 का, क्योंकि अब स्ट्राइक रेट को भी बढ़ाना है पिछले 12 गेंदों के ऊपर। डेथ ओवर शुरू हो चुके हैं कोड़ी पटेल समाज के लिए और कुकड़ा पटेल समाज के लिए। और इस बार स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर, वहां जाकर गेंद को फील किया जाए एक रन। और एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है पहले बल्लेबाजी करते हुए कुकड़ा पटेल समाज को। देखिए विकेट कीपर का क्लोज है, एक शॉर्ट थर्डमैन शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर जिग्नेश पटेल, जिगर पटेल फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से गति प्रदान की गई वहां गेंदबाज अभी पटेल की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 42 रन पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार एक आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से, गुड लेंस के आसपास अब गेंदे की जा रही है गेंदबाज अभी पटेल की ओर से। डेथ ओवर में शामिल किया गया कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से, जिग्नेश पटेल फील्डिंग कर रहे वाइट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर कि कोई लॉफ्ट स्ट्रोक खेला जाए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच। निभाग कर लगकर गई, देखे विकेट कीपर की ओर से सी दिखाई दी जा रही है वहां पे अनिल सरसाना की ओर से। तब तक एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने और एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
43 रन पारी का सातवां ओवर चल रहा है। धीमी शुरुआत देखे की जा रही है वहां बल्लेबाज उमेश की ओर से। 13 गेंदे खेल चुके हैं उमेश और इस बार खूबसूरत विकेट की मांग, काफी क्लोज विकेट की मांग की जा रही है अनिल सरसाना की ओर से। इन्होंने एक कप्तानी की जा रही है कप्तान सेहल पटेल की ओर से। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया कोडी पटेल समाज की ओर से। इस बार स्वीप स्ट्रोक खेला गया और सूरत फील्डिंग वहां शॉर्ट फाइन लेके फील्डर्स नीलेश की ओर से। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43 रन 4 विकेट के नुकसान के ओवर। और पारी का अंतिम ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेवारी कप्तान सिंहल पटेल ने संभाल रखी है कोडी पटेल समाज के लिए। देखिए बहुत ही फेरे ही फील है ऑन साइड के क्षेत्र में। एक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन। स्क्वेयर थर्ड मैन के सन के ऊपर दिव्येश पटेल। ये बार स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश और जब तक इनको फील किया जाए थ्रो दिया जाए बाई का इशारा अंपायर जतिन पानेरिया सर की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। पारी का आठवां और अंतिम ओवर चल रहा है, 5 गेंदे अभी भी शेष है। संजू श्राई के ऊपर इस बार स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वाइट का इशारा अंपायर जतिन पानेरिया सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर नीलेश मोगिया फील्डिंग कर रहे कि कोई ग्लांस स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज संजू की ओर से। स्लॉक सी स्ट्रोक के लिए याग्निक पटेल फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और ये आसान कैच होना चाहिए, देखिए फील्डर के इनके नीचे गए पोजीशन बनाई गई लालू की ओर से। नए बल्लेबाज के रूप में हितेंद्र ज्ञान है इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। वैसे ग्रामीण क्रिकेट रुमला से खेलते हैं। हर सिक्सर के ऊपर हितेंद्र ज्ञान के पर 1000 रुपया। और इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी आगे अगर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। जब तक इनको फील किया जाए अनिल की ओर से सीरी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का आठवां और अंतिम ओवर चल रहा है। बहुत ही सूझबूझ के साथ कप्तानी की गई स्नेहल पटेल की ओर से, जिग्नेश की ओर से और नीलेश मोगिया की ओर से। इस बार स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने स्वीपर के स्थान के ऊपर और जब तक इनको फील किया जाए तब तक 1 रन बल्लेबाजों के बीच और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। पारी का आठवां और अंतिम ओवर चल रहा है, 2 गेंदे अभी भी शेष बच रही है। अगर कोई अतिरिक्त गेंद न की जाए कप्तान सेहल पटेल की ओर से कोडी पटेल समाज के लिए
बार फिर से केवल एक ही रन वहां बल्लेबाज के लिए। अभी गए वहां पे शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा है 48-48 रन। पारी का आठवां और अंतिम ओवर और अंतिम गेंद है, अगर कोई अतिरिक्त गेंद न की जाए कप्तान सेहल पटेल की ओर से, कि दूसरी ओर एक फाइटिंग स्कोर भी बनाया जा रहा है कुकड़ा पटेल समाज की ओर से। और इस बार क्लीन बॉल वहां पे, आखिरी गेंद के ऊपर क्लीन बॉल, 48-49 टारगेट इन 48 बॉल। प्रेक्षक मित्र से निवेदन है, ग्राउंड के बाहर से जाएंगे तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। यह मैच शुरू होगा दूसरी इनिंग, तो प्लीज जल्दी से थोड़ा निकल जाइए। प्रेक्षक मित्र प्लीज से ग्राउंड के बाहर चले जाइए। प्रेक्षक मित्र से निवेदन है थोड़ा जल्दी ग्राउंड खाली करें। ये क्या है जी, फील्डिंग ये पेपर बोलता है, ईएमआई पे मोबाइल खरीदो, डीजे डाउन, टीवी भी बोलता है ईएमआई पे मोबाइल खरीदो। संजू प्लीज से आप बोलता ही नहीं जी, था आपका 500 रुपया आपको मिल जाएगा। संजू चंद्रकांत कामिक की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 500 आता, संजू आपका 500 रुपया जमा हो चुका है, लेके जाइए। और क्या चाहिए, आज ही आओ और भाटिया से मोबाइल ले जाओ। मोबाइल बिकेगा तो आग फैली है, नफरत की आग, भ्रष्टाचार की आग, बेरोजगारी की आग। चंद्रकांत भाई गावित पानीखड़क की ओर से, हर सिक्सर का 500 था, आपने एक सिक्सर लगाया था उसका 500 रुपया लेके जाइए। देश बचा लिया आग से, हैवल्स वायर्स दैट डोंट कैच फायर। कोई और कार्टून देखे। फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है तो ग्राउंड प्लीज खाली कीजिए जल्दी से। प्रेक्षक मित्र ग्राउंड से बाहर निकल जाइए। फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है, फील्डिंग सजा दी जाए। हमारे दोनों क्वालिफाई एम्पायर ने भी प्रस्थान कर लिया है, अर्जुन टंडेल सर और जतिन पानेरिया सर। अब दोनों बल्लेबाज कोड़ीपल्ले समाज की ओर से प्रस्थान कर चुके हैं, तो प्लीज ग्राउंड के बाहर प्रेक्षक मित्र दोनों खिलाड़ी भी आ चुके हैं। फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग सजा दे।
अब जीतने के लिए या 49 रन बनाने पड़ेंगे, 48 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के बाद कुकुना समाज वर्सेस कोड़ी पटेल समाज के बीच में मेगा फाइनल मुकाबला। बहुत बड़ी संख्या में जन मेदी उपस्थित हुई है, तो फिर से एक बार जन मेदी का हम तहदिल से आभार व्यक्त करते हैं, आप यहां आए टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो आपका बहुत बहुत तहदिल से आभार। अब दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जिगर पटेल स्ट्राइक के ऊपर और नॉट स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश पटेल और गेंदबाजी के ऊपर कुकुना पटेल समाज की ओर से सुनील। यस, हमारे स्कोरर सलमान रावत माणिकपुर से बिलोंग करते हैं, वो तैयार है स्कोरिंग के लिए। तो यस, गेंदबाजी की शुरुआत की जाए, मैंडेटरी पावर प्ले शॉट थर्ड मैन पॉइंट कवर मिड ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर। हल्के हाथों से खेला, इस बार यहां से रन पूरा करेंगे, यही फितरत है जिगर की जो मुझे पसंद आती है, कैसी भी गेंद हो कैसी भी हो पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन जरूर लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है जिगर जंगल। घरेलू क्रिकेट सूरत की ओर से खेला करते हैं, जो कोरी पटेल समाज की ओर से यहाँ एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जाता है। अब स्ट्राइक के ऊपर जिग्नेश गोटी, सबका चहिता सबका लालड़ा, गुजरात की आन बान शान जिग्नेश गोटी स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर सुनील। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, यहाँ जिग्नेश गोटी चलते बने बाहरी किनारा लिया था, इसे कहते हैं स्पॉटमैन स्पिरिट, लगने वाला पहला झटका। पब्लिक काफी खुश, अब पब्लिक क्यों खुश से आप सब लोग जानते हो। अब यहां से अनिल सरसाना स्ट्राइक के ऊपर और नॉट स्ट्राइक के ऊपर जिगर पटेल। बहुत ही भव्य से अति भव्य आयोजन कहा जाएगा, श्री भुवनेश्वर युवक मंडल की जरूर सराहना करना चाहेंगे हम। अब यहां रिवर्सिप के लिए घूमे थे जरूर, लेकिन सम्मान दिया इस बार, बहुत ही अच्छी गेंद थी जिसको सम्मान दिया। सुनील की बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट गुलर की ओर से खेला करते हैं, यहाँ कुकड़ा पटेल समाज की ओर से बहुत ही बेहतरीन अव्वल नंबर के गेंदबाज और बल्लेबाज भी है सुनील। फड़वेल प्रीमियर लीग किया गया था फड़वेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वहां दो मैच में मैन ऑफ द मैच हुए थे सुनील। सम्मान दिया इस बार, यहां से सिंगल रन पूरा करेंगे कवर के ऊपर, आधा पुश आधा ड्राइव सिंगल रन, इसे कहते हैं नजाकत, इसे कहते हैं चालाक लोमड़ी वाला काम किया, सिंगल रन पूरा किया स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब सुनील तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फुल टॉस गेंद ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक जिगर पटेल। अब 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, पिछली गेंद के ऊपर बहुत अच्छा इनसाइड आउट फुल टॉस गेंद के ऊपर अच्छा शॉट चौका के लिए भेजा था, इस बार स्लॉग शिप किया, गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए, आकाशी टोला उड़न खटोला सिक्सर जिगर पटेल।
पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 12 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। इम्बेगा फाइनल मुकाबला कोनी पटेल समाज और कुकना पटेल समाज के बीच में खेला जा रहा है, अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट संस्करण तीसरा, सीजन तीसरा, पीएससी क्रिकेट ग्राउंड कुकेरी के ऊपर। अब गेंदबाजी के ऊपर उमेश, अरिवासी में खेलना चाहते थे, इस बार बॉडी के साथ गेंद टकराई, कवर की दिशा में गई, जहां फील्ड किया कोई रन नहीं, कोई शॉट नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ यहां पहली गेंद डॉट वापसी करता हुआ। यहां से जिस प्रकार से देखा जाए तो पिछली दो गेंदों के ऊपर बड़ी हिट आई थी, तो दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंद। बहुत ही बेहतरीन इस बार फ्लिक किया है, स्क्वायर की दिशा में गेंद आ रही है, जहां खिलाड़ी है जिन्होंने फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए एक रन। तेरह रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब उमेश गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर जिगर पटेल, जिन्होंने पिछली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था जब स्ट्राइक के ऊपर थे पिछले ओवर में। अब तीन गेंदों के ऊपर 11 रन, 367 का स्ट्राइक रेट, एक सिक्सर, एक चौका। फील्डिंग का मुआयना करते हुए यहां मिड विकेट के ऊपर बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी को भेजा जा रहा है। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्सेट नहीं। दो खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर है, यहाँ पे एक मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर, थोड़ा सा वाइड रिस्क खड़ा किया गया है, जहाँ ड्राइव शॉट जिग्नेश बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं उस जगह के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया। अच्छा शॉट इस बार, यहाँ बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्ड किया यहाँ संजू ने, मिडॉन के ऊपर खड़े थे जिन्होंने अच्छा झुकने के बाद फील्ड किया और सीधा थ्रो गेंदबाज की ओर किया, रन लेने की चेष्टा को खारिज किया गया। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी उमेश। इस बार पंच किया है और पैर से रोका, बहुत ही बेहतरीन, पुष्पा झुकेगा नहीं लेकिन गेंद को रोका जरूर यहां से पैर के द्वारा। एक रन पूरा कर लिया था दोनों बल्लेबाजों ने, अब सिंगल रन। उमेश तैयार अब स्ट्राइक के ऊपर, अनिल सरसाना अरिवसिप में खेला इस बार, गेंद गई गली के ऊपर, जहां खिलाड़ी था जिन्होंने अच्छा कैच किया। देखिए पब्लिक की आवाज सुनिए खाली एक बार, पब्लिक खुश। अब स्नेहल पटेल खुद कप्तान पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर, दो ओवर खत्म हुए, 14 रन बने दो विकेट के नुकसान के बाद। अब स्नेहल पटेल स्ट्राइक के ऊपर, विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब जिगर पटेल अभी भी मौजूद है विकेट के ऊपर। अब एक लंबी मंत्राणा चलती हुई कि इसके हाथ में गेंद थमाई जाए, क्योंकि पावर प्ले के दो ओवर खत्म हुए हैं, 14 रन बने दो विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से गेंदबाज के रूप में शायद अश्विन काला को लाया जाएगा ऐसा लग रहा है,
क्योंकि जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक अच्छी गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था। अश्विन काला ने 2 ओवर किए थे, 11 रन दिए थे और 3 सफलता हासिल की थी। शायद उसी को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है कोकणा पटेल समाज की ओर से। और यहाँ स्ट्राइक के ऊपर जिगर पटेल और नॉन स्ट्राइक के ऊपर स्नेहल पटेल। छत्तीस गेंदों के ऊपर 35 रन चाहिए, आने वाली 36 गेंद 35 रन। और स्ट्राइक के ऊपर मालूम नहीं, बहुत स्लोअर गेंद थी, बहुत टाइम मिला जिगर पटेल को और उसका फायदा उठाया, बहुत जल्दी लेंथ को भांप लिया था यहां जिगर ने। अश्विन काला तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पीएससी एंड की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर जिगर पटेल। रिवर्स स्वीप में खेलना चाहते थे इस बार विकेट कीपर उमेश आएंगे गेंद को गेदर करने के लिए। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी 18 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। 34 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए, 34 गेंद 31 रन। अच्छा शॉट इस बार गेंद गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैक्सिमम के लिए, बेहतरीन सिक्सर हवा के साथ साथ गड्ढा के संग संग सिक्सर। अब अश्विन काला तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और जिगर पटेल 22 के निजी स्कोर के ऊपर 9 गेंद के बाद 250 का स्ट्राइक रेट। ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर गेंद थी, विकेट कीपर ने गेदर किया लेकिन वाइड करा दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। यह लो स्कोरिंग मैच हुआ था, यहाँ अच्छी गेंदबाजी कोरी पटेल समाज की ओर से देखने को मिली थी और अब अच्छी बल्लेबाजी। एक और इस बार बहुत ऊपर गई है और दूर भी गई है, देख जाएगी आधा आधा चंद्रन। जिगर पटेल बेहतरीन सिक्सर, 6 के साथ 31 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट। अब 32 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए, आने वाली 32 गेंदों के ऊपर 18 रन। अच्छी गेंद थी इस बार, सही लेंथ और लाइन के साथ डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 31 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, 2 असर या 5 गेंद हो चुकी है। अब 31 गेंदों के ऊपर 18 रन, जिगर पटेल 11 गेंद 28 रन, 3 सिक्सर 2 चौके 250 का स्ट्राइक रेट। जिगर पटेल कोरी पटेल समाज की ओर से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। शॉट पिच गेंद थी इस बार, पुल किया है पीछे खिलाड़ी स्क्वायर लेग के ऊपर, जिन्होंने कैच किया, सफलता जिगर पटेल को जाना पड़ेगा। और प्रेक्षक कुछ जिस प्रकार से यहां कैच किया, जिगर का एक अच्छा विकेट मिला अश्विन काले को। अब यहां से 3 ओवर के बाद 31 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। कोरी पटेल समाज अब यहां पे अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट श्री भुवनेश्वर युवक मंडल कुकेरी अंतर समाज टूर्नामेंट का बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया, 3रा संस्करण है। अब यहां से 3 ओवर के बाद 31 रन, आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए। तो अगली आवाज आप सुनेंगे अजीज बोरियत सर की, तो मैं लेता हूं राज चौहान यहां से विदा, फिर किसी मोड़ के ऊपर किसी टूर्नामेंट के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू, तो वेलकम सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद साथी कमेंटेटर राज चौहान।
18 रन चाहिए आने वाली 30 गेंदों के ऊपर कोडी पटेल समाज को इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और इस बार पंच किया है, देखे गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 14 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार सेव किया है बल्लेबाज ने, किसी मिस फीलिंग जरूर की गई वहां देखे, और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए तब तक एक रन। तेरह रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर अब बल्लेबाज चिराग बिनवाड़ा। बाइक से ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से हितेंद्र ज्ञान की दिशा में, और जब तक इनको फील किया जाए डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। 12 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए कोडी पटेल समाज को। सेमीफाइनल में बहुत बड़े उलटफेर किए गए थे कुकड़ा पटेल समाज की ओर से। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक इनको फील किया जाए ओवर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर तब तक एक रन। 11 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। इस बार सेव जरूर किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। कई रिकॉर्ड रहे थे, देखिए पिछले साल जिमी दरबार ने शतक लगाया, निकुंद धनगर ने हैट्रिक लिया था इस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। कई रिकॉर्ड जोड़े जाएंगे जैसे अंतर समाज मैचेस चल रहे हैं। इस बार एक सेंसिबल स्ट्रोक अब खेले जा रहे हैं बल्लेबाज की ओर से, जब तक इनको फील किया जाए शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर आकर हितेंद्र ज्ञान की ओर से। नौ रन चाहिए आने वाली 24 गेंदों के ऊपर इस फाइनल मैच को जीतने के लिए कोडी पटेल समाज को। गेंदबाजी की जिम्मेवारी देखिए शूनी ने इस बीच संभाल रखी है पीएससीएन से। दर्शकों के बहुत बड़ा जमावड़ा देखिए, पूरा श्रेय जा रहा है श्री भुवनेश्वर युवक मंडल कुकेरी की ओर। स्ट्राइक के ऊपर कोडी पटेल समाज के कप्तान स्नेहल पटेल, और इस बार कट जरूर किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को एक टप्पा फील किया जाए डीप पॉइंट के स्थान के ऊपर तब तक एक रन। 8 रन चाहिए, देखिए चैंपियनशिप है। और इस बार ब्लॉक हॉल जरूर गेंदबाजी की गई वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, देखे शॉट गली के स्थान के ऊपर, एक स्क्वायर गली शामिल की जा रही, उसके ठीक बाजू में शॉट छड़मैन शॉट कवर, उसके ठीक पीछे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर हितेंद्र ज्ञान। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर, जब तक गेंद को हाफ वे फील किया जाए हितेंद्र की ओर से। 7 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए।
क्लोजिंग फील्डिंग शामिल की जा रही है। देखे निरी देशमुख की ओर से, निरी देशमुख फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद निकल जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चार रन के लिए। तीन रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर स्नेहल पटेल, इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर के सन के ऊपर। तब तक एक रन बल्लेबाज के लिए। अब दो रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। देखिए दर्शक।